युवा कांग्रेस जिला मंडी के द्वारा जरूरतमंद परिवारों को फूड किट्स बांटी गई। युवा कांग्रेस जिला मंडी के अध्यक्ष तरुण ठाकुर ने बताया कि ये फूड किट्स शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह द्वारा जरूरतमंद लोगों को मुहैया करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि युवा कांग्रेस हमेशा से लोगों की सहायता कर रही है और आगे भी करती रहेगी। जिस तरह से आज तक युवा कांग्रेस द्वारा कार्य किया जा रहा है, ठीक वैसे ही इस महामारी के दौर में युवा कांग्रेस आम जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि अब तक पूरे जिला में प्रवासी मजदूरों सहित 150 परिवारों को राशन किट वितरित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान लोगों की सहायता हेतु जिला युवा कांग्रेस द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है और लोगों की हर प्रकार से मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला में जहां ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं, वहां युवा कांग्रेस द्वारा सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है ताकि लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। नमस्कार, आज हमने हिमाचल प्रदेश के युवा विधायक शिमला ग्रामीण श्री विक्रमादित्य जी के दिशा निर्देशों अनुसार जो प्रवासी मजदूरों को आज हमने राशन किट्स जो मुहैया करवाई गई, जो लगातार युवा कांग्रेस जिला मंडी में हर ब्लॉक में और जिला मंडी में भी ये राशन किट जो प्रवासी मजदूरों को मुहैया करवा रही है, और इसके लिए हमने अपना जो जिला मंडी युवा कांग्रेस का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसके माध्यम से हमें लोगों का जो रिस्पांस, जहाँ जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं, उनका जो कॉल फ़ोन कॉल्स आ रही है, जिनका निपटारा हम तुरंत एक दो दिन में कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे जो प्रवासी मजदूर है, ज़रूरतमंद और जो कोरोना परिवार है, कोरोना पीड़ित परिवार है, उनको भी अगर किसी प्रकार की आवश्यकता की ज़रूरत है तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है जो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से जारी किया गया है, तो उस पर हमें किसी भी टाइम आप फ़ोन करके हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं ताकि हम आपकी समस्या का निपटारा जल्द से जल्द कर सकें। और इसके साथ साथ हम जिला मंडी में सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम भी नियंत्रण रूप से चलाया हुआ है, जिसमें कि हमने फर्स्ट फेज में जो जिला मंडी जो शहर है, जिस टाइम संक्रमण का मामला ज़्यादा बढ़ रहे थे, उस टाइम हमने शहर की गलियां, बाज़ार, चौटा बाज़ार, हमारा बस स्टैंड, जो सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम हमने चलाया था। इसी के साथ साथ हमने जो जिला मंडी में अभी 100 लीटर जो सैनिटाइजेशन का प्रावधान किया है, जिसमें कि हम जिला मंडी के वो क्षेत्र सैनिटाइज करेंगे जिन क्षेत्रों में संक्रमण के मामले जो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उन क्षेत्रों को हम जल्द से जल्द सैनिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ताकि उधर जो संक्रमण के मामले हैं वो कम हो सकें।